जय जिनी वंदितु सर्व सिद्धि धुवमल मनोभवं गदिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आश्रव अधिकार पूरा हो गया पिछली ज्ञानशाला में, अब आज शुरू हो रहा है संवर अधिकार। संवर में मुख्य बिंदु क्या है? भेद ज्ञान। भेद ज्ञान का मतलब मैं कौन हूं और मुझसे भिन्न कौन है, मैं अपने को क्या समझूं और किसको अपने से पर मानूं। जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक संवर का काम नहीं। क्यों? भेद विज्ञान रहित आत्मा मिथ्या दृष्टि होता है, इसलिए भेद विज्ञान पहली चीज है। अब भेद विज्ञान क्या है ये आचार्य आज तीन गाथाओं में बताएंगे। आज हम तीन गाथा करेंगे क्योंकि तीनों गाथा एक साथ है, 188, 189, 190। आइए 188 गाथा प्रारंभ करते हैं। उबओगे उबओगो कोहादि सुनत्थि को वि उवओगो कोहे को हो चे वही उबओगेणत्थि खलु को हो बोलो। उबओगे उबओगो कोहादि सुनत्थि को वि उबओगो कोहे को हो चे वही उबओगेणत्थि खलु को हो। उबओगे उबओगो कोहादि सुनत्थि को वि उबओगो कोहे को हो चे वही उबओगेणत्थि खलु को हो। उबओगे उपयोग में है, उबओगो उपयोग, कुहादिशु क्रोध आदि में णत्थि नहीं है, को भी उबओगो कोई भी उपयोग। क्या कह रहे हैं? उपयोग में उपयोग है, क्रोध आदि में कोई उपयोग नहीं है। कोहे कोहो चे वही, क्रोध में ही है, क्रोध में क्रोध ही है। उबओगे उपयोग में णत्थि नहीं है, निश्चय से कोहो क्रोध। ये समझना है मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा में उपयोग है क्रोध नहीं, क्रोध मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं, क्रोध में मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं तो जानना देखना उपयोग भी नहीं। क्रोध में क्रोध है पर क्रोध में उपयोग नहीं है। बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं, फिर देखें। उबओगे उबओगो उपयोग में उपयोग है, कोहादिशु क्रोध आदि में को वि उबओगो णत्थि कोई उपयोग नहीं है। कोहे कोहो चे वही, क्रोध में क्रोध ही है। उबओगे उपयोग में खलु माने निश्चय से कोहो क्रोध नहीं है, अर्थात मुझ में क्रोध नहीं, क्रोध में मैं नहीं। आइए भावार्थ देखते हैं। उपयोग में उपयोग है, क्रोध आदि में कोई भी उपयोग नहीं है, और क्रोध में ही क्रोध है, निश्चय ही उपयोग में क्रोध नहीं है। पंडित जी प्रारंभ में उपयोग उपयोग दो बार क्यों दिया है? देखो पहला उपयोगी जो है, उपयोगी का मतलब आत्मा में,
फिर जो उब ओगो है उसका मतलब दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, अर्थ क्या लग रहा है, उबोगे आत्मा में उबोगो ज्ञान दर्शन उपयोग है, इसलिए दो बार शब्द दिया, दोनों का अर्थ अलग लगाना है। उबोगे आत्मा में उबोगो ज्ञान दर्शन उपयोग है, ऐसे इसलिए दो बार दिया। पंडित जी, क्रोध जीव ही करता है तो फिर उसमें उपयोग क्यों नहीं? जब तक आत्मा जानने देखने उपयोग रूप रहता है तब क्रोध नहीं होता, और जब क्रोध रूप रहता है तो जानने देखने रूप उपयोग नहीं रहता। एग्जाम्पल, अगर कोई प्रसंग कोई घटना घटी और आप ज्ञाता दृष्टा बने रहे तो क्रोध क्यों आएगा? ज्ञाता दृष्टा जानने देखने वाले बने रहे, और क्रोध करेंगे फिर ज्ञाता दृष्टापना कहाँ से रह जाएगा? ये बात तो आपकी ठीक है, क्रोध आत्मा में होता है, पर जिस समय क्रोध होता है उस समय ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग नहीं रहता, मतलब आत्मा ज्ञाता दृष्टा नहीं रहता, उस समय क्रोध ही बन जाता है, इसलिए क्रोध में उपयोग जानना देखनापना नहीं होता। पंडित जी, तो क्रोध को उपयोग नहीं माने क्या? यद्यपि आत्मा ने क्रोध किया है, लेकिन जब तक आत्मा जानने देखने वाला मात्र रहता है या शुद्धोपयोग में रहता है तब क्रोध नहीं होता, और जब क्रोध में रहता है तो अपने उपयोग से भ्रष्ट हो जाता है, ऐसा इसमें समझना चाहिए। वास्तव में आत्मा आत्मा है, क्रोध नहीं, क्रोध क्रोध है, आत्मा नहीं। इसका पद्यानुवाद देखिए। शुद्धात्म में नियम से उपयोग भाता, क्रोधादि में न उपयोग कभी सुहाता। ओ क्रोध क्रोध भर में उपयोग में ना, हे भव्य क्रोध अब तो बस छोड़ देना। अंतिम पंक्ति कितनी सुंदर है, हे भव्य जीव, क्रोध में उपयोग नहीं, इसलिए क्रोध को छोड़ दो। क्या मतलब? क्रोध तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम उपयोगी ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हो, क्रोध को छोड़ दो, अपने स्वभाव में रह आओ। अगली गाथा देखें, 189। अठव्यप्येकम्मे लोकम्मे चाविणत्ति उवोगो, उवोगम्म्यकम्मम् लोकम्मम् चाविणोऽथि। बोलिए। अठव्यप्येकम्मे लोकम्मे चाविणत्ति उवोगो, उवोगम्म्यकम्मम् लोकम्मम् चाविणोऽथि। अठव्यप्येकम्मे लोकम्मे चाविणत्ति उवोगो, उवोगम्म्यकम्मम् लोकम्मम् चाविणोऽथि। अठव्यप्ये, आठ प्रकार के कम्मे कर्मों में, और लोकम्मे और नो कर्म में, चा भी और भी, लत्थि नहीं है, उपभोग उपयोग। क्या बता रहे हैं? पहले ये बताया, क्रोध में उपयोग नहीं, उपयोग में क्रोध नहीं, अब और थोड़ा उसमें ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आठ प्रकार के कर्म में पहली जो चर्चा हुई थी वो हुई थी भाव कर्म की, अब कह रहे हैं द्रव्य कर्म और नो कर्म में क्या है बताएं, वो बता रहे हैं। आठ प्रकार के कर्मों में और नौ कर्म में भी उपयोग नहीं है,
और उपोगम्य और उपयोग में भी कम्मम लोकम्मम कर्म और नो कर्म चाबी भी नहीं है। अर्थात आत्मा में उपयोग है द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म नहीं। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म में उपयोग नहीं है, उनमें क्या है, उनमें मात्र कर्मपना है, उपयोग नहीं, क्योंकि उपयोग तो जीव में है। भावार्थ देखें, आठ प्रकार के ज्ञान वर्ण आदि कर्मों और शरीर आदि नो कर्मों में भी उपयोग नहीं है, और उपयोग में कर्म और नो कर्म भी नहीं है। पंडित जी, शरीर में तो आत्मा है, पर शरीर में उपयोग क्यों नहीं? शरीर नो कर्म वर्गणाओं से बना है, नो कर्म वर्गणाएं पुद्गल है, क्या पुद्गल में जानने देखने की शक्ति रूप उपयोग हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अच्छा, आत्मा जब द्रव्य कर्म और नो कर्म रूप उपयोग वाला है तब आत्मा में उपयोग रहेगा? नहीं, तब वो ज्ञाता दृष्टा नहीं हुआ। वो आत्मा कैसा हो गया? आत्मा अशुद्ध हो गया। तो यहां बता रहे हैं, जैसे गाथा नंबर 188 में बताया था, आत्मा में उपयोग है क्रोध नहीं, क्रोध में उपयोग नहीं है आत्मा नहीं। अब कह रहे हैं आत्मा में उपयोग है न नो कर्म न द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म नो कर्म में भी आत्मा या उपयोग नहीं है, ये समझा रहे। गाथा 189 का पद्यानुवाद देखिए। चैतन्य धाम उपयोग निरालिहाला, नो कर्म कर्म जिसमें न सदा उजाला, नो कर्म कर्म जड़ पुद्गल का पिटारा, होता कभी न उसमें उपयोग प्यारा। अगली गाथा और देखें, तीन गाथा एक साथ देखनी है। गाथा नंबर 190 पुस्तक में तीनों गाथाएं एक संदर्भ की एक साथ दी हुई हैं। आइए। एदम तु अविवरीदम, एदम तु अविवरीदम, प्राणम जय्या दुहो दिजीवस, प्राणम जय्या दुहो दिजीवस, तैयाण किंचि कुवदि, तैयाण किंचि कुवदि, भावम उबोग शुद्धप्पा, भावम उबोग शुद्धप्पा। बोलिए। एदम तु अविवरीदम, प्राणम जय्या दुहो दिजीवस, तैयाण किंचि कुवदि, भावम उबोग शुद्धप्पा। एदम तु अविवरीदम, प्राणम जय्या दुहो दिजीवस, तैयाण किंचि कुवदि, भावम उबोग शुद्धप्पा। गाथा का शब्दार्थ देखें। एदम ऐसा, अविपरीतम अविपरीत, विपरीत माने उल्टा और आ माने नहीं, अर्थात वास्तविक, वास्तविक माने सच्चा। राणम माने ज्ञान, जय्या माने जब, जीवस होदी जीव के हो जाता है। जब ऐसा वास्तविक ज्ञान द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म में उपयोग नहीं और उपयोग में द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म नहीं, ये आत्मा के परिणाम नहीं, ये आत्मा के विभाव परिणाम है। जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तैया तब न किंच कुबदि, नहीं अन्य किसी करता है भावम भाव को उबोग शुद्धप्पा, शुद्ध उपयोगी आत्मा फिर अन्य किसी भाव को नहीं करता।
जब वो ये जान जाता है क्रोध मेरा परिणाम नहीं, राग द्वेष मेरे परिणाम नहीं, मुझे नहीं करने, ये चैतन्य स्वरूप ही नहीं है, विभाव परिणाम है, मैं इनमें नहीं उलझूं, जब उतना जान जाता है तब शुद्धोपयोगी आत्मा उधर क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। शुद्धोपयोगी आत्मा फिर क्या करेगा? अपने उपयोग में, अपनी आत्मा में डुबकी लगाता रहेगा। फिर एक बार देखें, ऐसा वास्तविक ज्ञान, कैसा वास्तविक ज्ञान? आत्मा में उपयोग है क्रोध नहीं, क्रोध में क्रोध है उपयोग नहीं, आत्मा में द्रव्य कर्म नो कर्म नहीं, द्रव्य कर्म नो कर्म में आत्मा नहीं, आत्मा अलग, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म अलग, ये पौद्गलिक, ये जीवात्मक। जब ऐसा जान जाता है तब वह क्या करता है? शुद्धोपयोगी आत्मा अन्य किसी भाव को नहीं करता है। तो क्या करता है वो? अपनी आत्मा में जानने देखने में लगा रहता है और परमानंद का आनंद लेता है। आइए भावार्थ देखें। जिस काल में जीव को ऐसा अविपरीत माने सत्यार्थ माने वास्तविक ज्ञान हो जाता है तब शुद्धोपयोगी आत्मा उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भाव को नहीं करता। जब तक वो उपयोग में लगा रहेगा तब तक शुद्धोपयोगी, और जहाँ अन्य उपयोग में गया राग द्वेष में तब अशुभोपयोगी या शुभोपयोगी हो जाएगा। इसलिए आत्मा शुद्धोपयोग में कब तक रहेगा? जब तक उसका भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान से हटा और वो शुभोपयोग अशुभोपयोग में गया। पंडित जी, वास्तविक ज्ञान और अवास्तविक ज्ञान कैसा होता है? जो जैसे को तैसा जाने वो ज्ञान वास्तविक, और जो जैसे को तैसा न जाने वो अवास्तविक। आत्मा को आत्मा जाने, शरीर को शरीर भिन्न जाने वास्तविक, और शरीर को आत्मा जाने अवास्तविक। क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष आत्मा में हुए पर ये आत्मा के स्वभाव नहीं, पौद्गलिक कर्मों के कारण ये हुए हैं, इसलिए ये पौद्गलिक हैं, मेरे स्वभाव नहीं, मैं इसमें क्यों लगूं, मैं अपने परिणाम ऐसे क्यों करूं, मैं उपयोग से हटूं क्यों? जब ऐसा जान लेता है तो ज्ञान वास्तविक, और ऐसा नहीं जानता, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म को अपना मानता है तो वह ज्ञान अवास्तविक है, सच्चा ज्ञान नहीं है। पंडित जी, ऐसा सच्चा ज्ञान कब होता है? जान तो लिया कि वास्तविक क्या है अवास्तविक क्या है, लेकिन जब तक उसकी वैसी परिणति नहीं होती तब तक वो अज्ञानी माना जाएगा, सच्चे ज्ञान वाला नहीं। आपने जान तो लिया कि जो स्त्री परिवार दुनिया भर का झगड़ा मेरा शरीर है, मेरा कोई नहीं, जान तो लिया, लेकिन फिर भी अगर हम उसमें रमे रहे तो अज्ञानी के अज्ञानी बने रहेंगे। क्या करें? अरे ऐसा करें, एक निश्चित समय तक तो घर गृहस्थी में रहने की बात रखें। समयसार पढ़ने की वस्तु नहीं, समयसार जीवन में उतारने की वस्तु है। इसलिए समयसार पढ़ें और अपने जीवन को बदलें। मैं इस परिवार के साथ रहता हूँ पर वास्तव में मेरा स्वरूप नहीं, मैं इन रूप नहीं, ये मेरे नहीं, मैं इनका नहीं। जब ऐसी बात बन जाएगी ना तब क्या होगा? तब ये होगा, उनके इष्ट अनिष्ट संयोग में वियोग में किसी भी कार्य में दुख नहीं होगा। क्यों? जो वस्तु मेरी है ही नहीं, मैंने अपनी मानी नहीं, अगर उसका वियोग होता है तो मुझे दुख क्यों? मेरी थी नहीं, गई तो गई, आई तो आई, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अगर ऐसा कर लेंगे ना तब हम कहलाएंगे ज्ञानी। और ऐसा ज्ञानी कब बनता है? जब आदमी शुद्धोपयोग में आता है। शुद्धोपयोग में आया तो जितनी भी अन्य पर पदार्थ हैं, अपना शरीर भी ले लो, उसमें रंच मात्र भी न राग है न द्वेष है, सिर्फ अपनी आत्मा में ही रमण है। और जब आत्मा में रमण है उस समय क्या है? उस समय क्रोध आदि परिणाम नहीं। जब आश्रव के कारण परिणाम नहीं तो संवर हो ही गया, इसलिए संवर हो जाता है।
पंडित जी, जब ब्रह्मनिराज शुभोपयोग में आ जाए तब क्या होगा? जब तक शुद्धोपयोग में रहेंगे तब तक आश्रव बंद रुका रहेगा, और जब शुभोपयोग में आ जाएंगे तो उन परिणामों के अनुसार आश्रव बंद होने लगेगा, और समय सार की दृष्टि में वे मुनि महाराज अज्ञानी हो जाएंगे। ज्ञानी मुनिराज तो वो है जो शुद्धोपयोगी है, मात्र आत्मरमण करते हैं, जो शुद्धोपयोग से हटे बहिरंग किसी भी क्रिया में आ गए, चाहे प्रवचन देना, शास्त्र लिखना या पढ़ाना या किसी भी कार्य में आ गए, तब शुद्धोपयोगी दशा से हटे, आश्रव बंद होने लगा, शुभोपयोग में आए, अज्ञानी अवस्था प्रारंभ हो गई। ये समय सार ग्रंथ है, इसमें तो शुद्धोपयोगी आत्मा को ही समझाया है कि शुद्धोपयोगी आत्मा कैसी होती है, उसका स्वरूप समझना है और उसको वैसा बनना है। ऐसा बनना कब होता है? जब मुनि महाराज हों अच्छी तरह समझ के, निर्विकल्प होके, एकदम निर्विकल्प होके अपने में आ जाएं, तब ऐसा बनना होता है, और तभी पूर्ण संबर बनता है। पंडित जी, संबर का प्रारंभ किस गुण स्थान से माना जाए? कुछ लोगों की धारणा है कि संबर और निर्जरा का प्रारंभ चौथे गुण स्थान और उसके बाद से होता है। नहीं, वो अपनी धारणा ठीक करें। संवर का प्रारंभ दूसरे गुणस्थान से होता है। कैसे होता है? मिथ्यात्व के कारण 16 प्रकृतियों का आश्रव होता था। जब वह आत्मा दूसरे गुणस्थान में आई और मिथ्यात्व उसके नहीं है, तब दूसरे गुणस्थान में उसके 16 प्रकृति का संवर है। पहले से आत्मा दूसरे में कभी नहीं आती, पहले से चौथे में जाएगी, चौथे से फिर दूसरे में आती है। तो जब दूसरे में आती है तो मिथ्यात्व के कारण होने वाले 16 प्रकृतियों का आश्रव रुकता है, संवर होता है। सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व के कारण होने वाली 16 प्रकृति संबंधी आश्रव रुका, संवर हुआ। अच्छा, अनंतानुबंधी कषाय दूसरे गुणस्थान में है, चौथे गुणस्थान में नहीं, तो दूसरे गुणस्थान वाली अनंतानुबंधी के कारण होने वाली 25 प्रकृतियों का आश्रव रुका। तो चौथे गुणस्थान में 16 मिथ्यात्व के कारण वाली, 25 अनंतानुबंधी के कारण वाली, 41 प्रकृतियों का संवर चौथे गुणस्थान में होता है। लेकिन यहाँ जो चर्चा हो रही है वो तो उन मुनि महाराज की है जिनके कर्म बंद होता ही नहीं टोटल। ये ऐसे मुनि महाराज कौन से होंगे? शुद्धोपयोगी मुनि महाराज। इनका गुणस्थान कौन सा होगा? सातवां और सातवें से ऊपर वाला। 7 से 12 तक शुद्धोपयोग होता है, तो 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक जो मुनि महाराज होते हैं, वे मुनि महाराज किसी भी कर्म का आश्रव बंद नहीं करते। द्रव्यानुयोग की दृष्टि है, किसी भी कर्म का आश्रव बंद नहीं करते, उनके पूर्ण संवर होता है। यहाँ क्या कहना है आचार्य को? जब तक आत्मा शुभोपयोग और अशुभोपयोग में है तब तक आश्रव बंद है, और जब शुद्धोपयोग में है ना आश्रव है ना बंद है। करणानुयोग से मिलाएंगे तो क्या होगा? शुद्धोपयोग में भी आश्रव तो है, पर वह आश्रव अत्यंत कम स्थिति अनुभाग वाला होने से कार्यकारी नहीं होता, द्रव्यानुयोग में उसको नहीं गिना जाता। तो वैसे आश्रव बंद होता कहाँ तक है? 13वें गुणस्थान तक होता है, उसकी बात अलग है। पर यहाँ संवर का प्रारंभ कब होता है? जीव को भेद विज्ञान हुआ और संवर हुआ। आज की 3 गाथाओं का निष्कर्ष क्या निकला? हम अपने जीवन में उतारे क्या? हम ये उतारे, मैं आत्मा हूँ, जानना देखना मेरा उपयोग है, क्रोध मान माया लोभ में फंसना, वेद कषायों में फंसना, ये मेरा उपयोग नहीं, इनमें उपयोग नहीं है, मेरा काम नहीं, ये मेरे स्वभाव नहीं, ये विभाव है, तो मैं क्या करूं? जितना बने उतना, जैसे बने वैसा इन विभावों से हटूं और स्वभाव में आऊं, और पूर्ण अवस्था जब शुद्धोपयोग की होगी तभी मेरे पूर्ण संवर होगा। गाथा 190 का पद्यानुवाद देखें।
ऐसा जिसे अविपरीत विबोध होता, सारी प्रवृत्ति तजता मन मैल धोता, शुद्धोपयोग सर में डुबकी लगाता, योगी वही नित उसे सिर में नवाता। कितना अच्छा लिखा है, जिसको ऐसा वास्तविक विबोध माने ज्ञान हो जाता है, वो सारी प्रवृत्तियों को छोड़ देता है, अच्छे बुरे किसी काम में नहीं लगता। क्या करता है वो, शुद्धोपयोग रूपी सर माने तालाब में डुबकियां लगाता है, और वही योगी है, योगी वही योगी जो शुद्धोपयोग में है, मैं उसे सिर नवाता हूँ। बहुत सुंदर पद्यानुवाद है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती पूनम जैन, धर्मपत्नी श्री सुभाष जैन, गुणायतन शिखर जी, श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड दुर्गापुर 1 वर्धमान पश्चिम बंगाल, अमिता जैन वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद, शुल्लक 105 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीमती शांति देवी छाबड़ा पटना बिहार, ईसरी पारसनाथ एवं उनके पुत्र पुत्रवधु श्री अशोक उमा पटना, श्री विनोद बबीता गुवाहाटी, श्री सुनील शालू पटना, ब्रह्मचारी संजय भैया ईसरी, श्री अभय मेघना चंडीगढ़, श्री आलोक मेघना वडोदरा।